गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह है आपका चैप्टर 7 गुणा। और गुणा में हमने कल पेज नंबर 33 में क्वेश्चन 1, 2, 3 किए थे और आज हम करेंगे प्रश्न 4 से स्टार्ट करेंगे। राम सामान लेने के लिए प्रतिदिन 4 किलोमीटर बाजार जाता है, तो बताओ 3 दिन में राम कितने किलोमीटर चलेगा। प्रतिदिन वो राम कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जाता है, बाजार जाता है, तो 3 दिन में कितने किलोमीटर चलेगा। तो प्रश्न 4 है आपका, एक दिन में जाता है राम प्रतिदिन जाता है, कितना जाता है, 4 किलोमीटर। मैं किलोमीटर को शॉर्ट में लिख रही हूं, है ना। फिर 3 दिन में कितने किलोमीटर चलेगा, तो 3 दिन में चलेगा 4 × 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 × 3 कितने होते हैं, 4 × 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12, यानी 12 किलोमीटर चलेगा। फिर प्रश्न पांच में क्या है, रामू की भैंस प्रतिदिन 8 लीटर दूध देती है, तो बताइए 6 दिन में रामू ने अपनी भैंस से कितना दूध प्राप्त किया। भैंस प्रतिदिन दूध देती है, भैंस प्रतिदिन दूध देती है, कितना देती है, 8 लीटर। ठीक है, तो 6 दिन में, 6 दिन में दूध देगी, कितना देगी, 8 × 6 लीटर। 8 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 6 × 8 = 48, यानी 48 लीटर दूध देगी। फिर प्रश्न 6 है आपका, प्रश्न 6 में है, एक किसान ने एक क्यारी में 7 पौधे रोपे, किसान ने ऐसी 8 क्यारियों में कुल कितने पौधे रोपे। एक क्यारी में उसने 7 पौधे रोपे हैं, तो 8 क्यारियों में कितने पौधे हो जाएंगे कुल। तो देखिए, एक क्यारी में 1 क्यारी में पौधे रोपे, कितने रोपे, 7। तो 8 क्यारियों में, तो 8 क्यारियों में पौधे रोपे, कितने रोपे, 7 × 8 पौधे। सात को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 56, यानी 56 पौधे रोपे। तो इस तरह से ये आपके पेज नंबर 33 आपका ये कंप्लीट हो गया है। फिर कल हम ये आगे करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, रिपीट CW इन नोटबुक, ये आपका नोटबुक में वर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।